नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सकों की लापरवाही लोगों के जी का जंजाल बन चुका है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर की लापरवाही अब जनता के जी का जंजाल एवं आफत बन गई है। कुछ दिन पूर्व थाना दिवस मऊरानीपुर में करण सिंह निवासी टोड़ी फतेहपुर ने अपने 10 वर्षीय पुत्र अरविंद की चिकित्सक व कंपाउंडर द्वारा गलत इंजेक्शन एवं बोतलें लगाने से उंगली कट जाने की शिकायत में संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। सभी मामला कुछ दिन पूर्व पूजा पत्नी घनश्याम निवासी खड़ौरा ने प्रसव के दौरान कच्चे टाके पकने व पस पड़ने की शिकायत चिकित्सा अधिकारी व उप जिला अधिकारी से की थी। अब पुनः लापरवाही का एक मामला संपूर्ण समाधान दिवस में ग्राम कुटरा निवासी श्रीमती रानी देवी पत्नी हरेंद्र कुमार ने स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शखवार के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा है। उक्त प्रार्थना पत्र में हरेंद्र कुमार ने बतलाया कि मैंने अपनी पत्नी का 3 बच्चों के बाद नसबंदी कैंप में 18-12-20 को ऑपरेशन कराया था। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी के टाके पकने लगे, तब मैं चिकित्सा अधीक्षक संगवार के पास गया। उन्होंने कहा कि अपना इलाज प्राइवेट में करवाओ, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं बताई गई। मेरी पत्नी की हालत खराब हो गई, पुनः अस्पताल गया तो मुझे गाली गलौज कर भगा दिया गया। मैंने किसी तरह अपनी पत्नी का इलाज झांसी में करवाया, जहां पर मेरा 1.5 लाख रुपए खर्च हो गया। मैंने अनेकों प्रार्थना पत्र भी दिए, लगातार चिकित्सा अधिकारी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने मुझे डांट फटकार कर भगा दिया। साहब, मैं गरीब अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मेरे पिता वृद्ध एवं विकलांग है, मैं ही मजदूरी करके भरण पोषण करता हूँ। अब इनकी लापरवाही से मेरा परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। यह नसबंदी ऑपरेशन मेरे परिवार के लिए काल बन गया है। संबंधित चिकित्सक एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण मेरी पत्नी की जान आफत में पड़ गई, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई कर मुझे खर्च की राशि दिलवाने का कष्ट करें, अन्यथा प्रार्थी आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होगा। रिपोर्टर विजय शर्मा। कहाँ से आए हो? क्या नाम है? अरविंद कुमार, पत्नी का नाम रानी देवी। क्या समस्या है? कब कराया था? क्या समस्या हो गई? टाके पकने लगे थे, मावाक बनने लगी थी। फिर क्या किया इसके बाद? इसके बाद हम डॉक्टर के दिखाने के लिए पहुँचे, उनको बताया, उनने मतलब लगा दिया, अब तक क्या है, गाली गलौज कर दिया। मैं आपका कहाँ के निवासी, क्या समस्या हुई आपके साथ? समस्या ज़्यादा ही हुई, डिलीवरी मतलब दर्द भी नहीं हुआ, तो ऊपर चढ़ चढ़ के बच्चा ने कहा बाबा जी आप आ रही टाके भी सही से। कौन लोग हैं भाई, कौन लोग हैं भाई? मैडम को नाम कहो, मैं तो नाम को पता नहीं है, हमें तो दया को तुम को ना पूछो थोड़ी ना। हां, सरकारी अस्पताल की बात है। हां, क्या नाम है आपका? हमारा नाम घनश्याम। कहां के निवासी? खड़ौरा। हैं खड़ौरा। क्या समस्या हुई आपकी? समस्या ये हुई कि 8-10 दिन हो गए डिलीवरी हुई, और बस टाँगे लगा दिए ऐसे ढीले पीले, बस घर तक गए टाँगे खुल गए, अब टाँगे लगवाने के लिए आए यहाँ पर, पैसा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि 3-4 हज़ार रुपये दो, जब टाँगे लगेंगे मुझे 1-6 महीने कम खाओगे, जब टाँगे लगेंगे ना तब। तो ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।